हाय फ्रेंड्स, आज हम आलू गोभी बनाएंगे। उसके लिए पहले मैंने यहाँ बाउल में 3 चम्मच तेल डाला है। उसके बाद 2 मीडियम साइज प्याज को स्लाइसेस में काट के फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, ले बस थोड़ा ही फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह फ्राई होना है। उसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डालिए, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से फ्राई कीजिएगा अदरक लहसुन पेस्ट को। अदरक लहसुन पेस्ट फ्राई होने के बाद 300 ग्राम आलू डाल रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस में काट के पानी में डाल के रखी हूँ वो डाल रही हूँ। देखिए इस तरह काट के डाल रही हूँ। पूरा आलू डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करके ढक्कन रख के मीडियम फ्लेम में पकाइए, आधा पकने तक पकाइए, मीडियम फ्लेम में ही पकाइएगा। देखिए आधा पकने के बाद गोभी को भी डालिए, गोभी को भी छोटा छोटा पीसेस में काट के 10 मिनट पहले पानी में डाल के रखिए। गोभी भी 300 ग्राम लिया है मैंने। पूरा गोभी डालने के बाद 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपना टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स करके ढक्कन रख के उबालिएगा। बस फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम में ही रखिएगा, हाई फ्लेम रखेगा तो चल जाएगा। बस 90% तक उबालने के बाद 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालिए। अब एक मीडियम साइज टमाटर भी छोटे छोटे पीसेस में काट के डाल दिया है मैंने। अच्छे से मिक्स करके फिर ढक्कन रखिएगा 3-4 मिनट के लिए। देखिए अब अच्छे से उबल गया है। देखिए एक बार चेक कीजिएगा आलू गोभी उबाला या नहीं। देखिए अच्छे से उबल गया है। अब एक थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स करके स्टोव को बंद कर दीजिए। अब रेडी हो गया है आलू गोभी, आप चपाती के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय।